हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार और आज 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे, जहां पर बेटा बाप से अलग हो गया था, जब से अलग हुआ तब से भुखमरी से जी रहा। तो आज हम रिएक्शन देने वाले फाइटर के अनाउंसमेंट का और बंगाली इंडस्ट्री से आया है बागा जेतिन का प्री टीजर। तो आइए पहला फाइटर देखते हैं। हाड़ बज रहा था यार बैकग्राउंड में। अरे आपको एक चीज बता दो यार, ये सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है, जहां पर उनके फिल्मों में आईएसआई हमेशा रॉक की हेल्प करते हैं, तब जाके फिल्म सक्सेसफुल होती है, जैसा अपने को पठान में देखने मिला था। अब जो ये फिल्म है फाइटर, अब ये एयरफोर्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर सिद्धार्थ आनंद शायद इस बार पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं दिखा पाएंगे अपनी फिल्म में, क्योंकि आज भी पाकिस्तान पेपर के प्लेन से ही खेल रहा है। इसके लिए सिद्धार्थ आनंद के फिल्मों में एक ही है भाई, जब भी मिशन कर रहे हैं इंडिया वाले, तब तक पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं है तो वो मिशन फेल हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो हम है ही नहीं ना, सिद्धार्थ आनंद के अकॉर्डिंग ऐसा दिखा है हर फिल्मों में। लेकिन यहाँ पर ऋतिक रोशन यार, जब लास्ट उनका टाइप हुआ था सिद्धार्थ आनंद के साथ वॉर में, जो मजा आया था ना, वो पठान में पूरा ही मिसिंग था। लेकिन इस बार फिर से ऋतिक आए यार, इस बार दीपिका आए, मतलब रणबीर की मेहरारू और अनिल कपूर है, मतलब सोनम के पप्पा, तो देखने में मजा आएगा कि इस बार क्या अलग दिखाएंगे। तो इंतजार है भाई 25 जनवरी, उससे पहले टीजर ट्रेलर भी आएगा। टाइम पास नहीं करते, बागा जतिन का प्री टीजर देखते हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस। ज्योतिन मुखर्जी या तो लड़ता है या मरता है, पर कभी पकड़ा नहीं जाता। शेरों का शेर बाघा, वीरों का वीर वो नस्ले हिंदुस्तान। भाई प्री टीजर में इतना खर्चा किया, इतना मेहनत किया है, तो टीजर और ट्रेलर में क्या होगा यार, मजा आया देख के यार। अब ये बंगाली इंडस्ट्रीज है जो जिसका टीजर कल रिलीज हुआ था और आज हिंदी में टीजर रिलीज हुआ है। ये फिल्म बायोग्राफी है जितेंद्र मुखर्जी जी, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जिनको बाद में लोग बागा जतिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों हाथों से शेर को मार डाला था, जिसके बाद उनका नाम पड़ गया बागा जतिन। टीजर के एंडिंग में देव जो टाइगर के साथ लड़ते हैं, वो RRR के VFX टीम ने बनाया है। मतलब कि यार जब उनका हाथ इस फिल्म के अंदर है तो यार नो डाउट यार VFX देखने को तो मजा ही आ जाएगा। अब देव की एक्टिंग की बात करो तो उनका खाली ग्लिम्स दिखाया था, लेकिन यार उनकी आंखों में वो पेट्रोलिज्म दिखता है कि वो मारने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। स्टार्टिंग में मुझे कहीं कहीं वो नानी का फेस जैसा लग रहा था, लेकिन यार नहीं, जब उनका क्लोजअप आता है तो मजा आ जाता है। अब जो इसके डायरेक्टर है अरुण रॉय, उन्होंने इस फिल्म को लिखा है, अब देखते हैं यार वो हमें कितना प्राउड करवा पाते हैं इस फिल्म के थ्रू। लेकिन यार स्टार्टिंग में एक डायलॉग था जहां पर देव बोलते हैं कि मैं बहुत बार उलझा हूं लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं हूं डॉन। अगर वो डॉन वर्ड यूज करते थे तो और भी मजा आता, क्योंकि सूट कर रहा था यार उनके फेस पे वो। तो ये रहा हमारा प्री टीजर का रिएक्शन और फाइटर का रिएक्शन। तो यार अगर आपको मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप बंगाली हो और आपने बागा जतिन का टीजर रिएक्शन देख लिया तो यार बैठे के शेयर कर दो सबके साथ, कि सबको पता चल जाए कि हिंदी में भी बवाल मचा दिया है। तो यार आप शेयर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा हमको भी खुशी मिलेगी कि हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।